विगत कुछ वर्षों में हिंदू समाज पर विरोधी गतिविधियों के कारण देश में हिंदू समाज व उनके धर्म स्थलों की देखरेख, सेवा चाकरी करने एवं पूजा अर्चना करने व वेद पुराणों साहित्य को याद रखने वाले ब्राह्मण समाज के लोग एवं पुजारियों को निरंतर अपमानित किया जा रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला रतलाम शहर के लक्ष्मी माता मंदिर से निकल कर आया है, जिसमें अपने अधिकार के पैसे पंडित जी के द्वारा अपने जेब में रखने पर लोगों ने उनका वीडियो बनाया एवं फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज एवं हिंदू समाज बहुत ही आक्रोशित हैं। हिंदू समाज एवं ब्राह्मण समाज ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की एवं ज्ञापन दिया है, जिस पर ब्राह्मण समाज एवं हिंदू समाज ने आज ताल थाना परिषद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली के नाम तहसीलदार मैडम को आज हिंदुत्व और धर्म के प्रति आघात न हो इसके लिए ज्ञापन दिया गया। समाज भी आज आक्रोशित हो रहा है। हमेशा हिंदू समाज के पूजनीय एवं आदर्श माने जाने वाले पुजारियों को निरंतर अपमानित या प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला रतलाम के श्री लक्ष्मी माता मंदिर का आया है, जिसमें मंदिर के पुजारी को अपमानित करने के उद्देश्य से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। जबकि मंदिर में आरती की दक्षिणा एवं पुजारी की दक्षिणा पुजारी की होती है। उक्त मामले की जाँच के बिना पुजारी जी का फोटो पेपर में छाप दिया गया है, जिससे पुजारी समाज का अपमान हुआ है, जिससे समस्त हिंदू समाज एवं ब्राह्मण समाज आक्रोशित हैं। मामले में निष्पक्ष जांच की जाए एवं जिन लोगों के द्वारा पुजारी जी को अपमानित करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया एवं फोटो छापा है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा पुजारी समाज या ब्राह्मण समाज पर कोई असत्य आरोप नहीं लगाया जाए।